उधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने वोट डाला, साथ ही बीजेपी की जीत का दावा किया। तो बीजेपी की जीत का दावा कलराज मिश्र ने किया है। बता दें कि लखनऊ में वोट डालने पहुंचे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे, उत्साह नजर आ रहा था, उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। जिस तरह से सभी बीजेपी नेता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, और सभी का ये मानना है कि इस बार 300 से ज्यादा। तीसरे चरण का मतदान उन दोनों चरणों की तुलना में सर्वाधिक अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले बार समाजवादी पार्टी की 55 सीटें थी, तो इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतनी सीटें आएंगी।